हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयूर वर्मा और आप मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में देख रहे हैं। थैंक यू। जब मुझसे शादी करोगे मुझे ऑफर आया था तो मुझे बोला गया कि ऐसा कॉन्सेप्ट है, तो शादी का कॉन्सेप्ट है तो आप क्यों करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। तो मेरे को प्रोडक्शन हाउस में बुलाया था तो उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ किया। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि शहनाज और पारस के वहाँ पे जो राजा रानी का किरदार निभाने वाले हैं और आप शहनाज के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपको पसंद आया तो आपको शादी भी लास्ट में करनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन वैसी है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, काफ़ी अच्छा लग रहा था शो के अंदर जा रहे हैं, और मैंने डांस परफॉर्मेंस भी की थी डे फर्स्ट में। जैसे ही हम शो के अंदर गए तो दो तीन दिन थोड़ा माहौल शांत था, थोड़ा सा क्या नए घर के अंदर जाते हैं, एक शहनाज को समझना, उसको हमने समझा, फिर उसने हमें बहुत ही अच्छा एक बिंदास कर दिया था और बहुत ही अच्छा लगा। हमारी जितनी भी जर्नी रही बहुत ही अच्छी रही शहनाज के साथ। देखिए, ऐसा था कि जसलीन के साथ मेरी फर्स्ट डे में ही, जब हम डांस परफॉर्मेंस के टाइम ही मेरी उसके काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, और जब घर के अंदर गए मैं काफ़ी समय उसके साथ बिताता था और हम अच्छी बातें करते थे, मस्त रहते थे। और घर के अंदर एक टाइम ऐसा आया था कि लड़कियों ने वो चीज़ों को बोल दिया कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का वो कर रहे हैं, क्योंकि जसलीन पारस के लिए गई है और जसलीन अब मयूर के साथ हो गई है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ था, वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। अगर एक शो के अंदर मैंने लड़की का हाथ पकड़ा है या उसके फोरहेड पे किस किया या मैंने उसके साथ बैठ के अच्छी बातें कर ली या कुछ कर लिया, वो प्यार नहीं होता। एक दोस्ती थी और वो दोस्ती आज भी अच्छी है। बाकी जो घर के अंदर लोग समझ रहे थे वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ही गलत थे। या तो वो गेम के दौरान पारस को समझाना चाहते थे कि जसलीन आपको चीट कर रही है या कुछ कर रही है, एक होता ना घर के अंदर लड़ाई करना, मेरे ख्याल से वो हो सकता है। यार देखो, घर के अंदर था, एक दोस्ती थी, मैंने घर में ये भी बोला मेरी मुझे अट्रैक्शन है इससे, तो वो अच्छी लड़की है, ये नहीं बोलूँगा कि मैं दोस्ती है, आप अट्रैक्शन भी समझ सकते हो बट प्यार नहीं समझ सकते, सीधी सी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं घर के अंदर गया था, ठीक है, तीन चार दिन के बाद शहनाज ने हमें पूरा बताया कि ऐसे ऐसे है, और उसने हमें फ्रैंक कर दिया था कि आप मस्त रहो घर के अंदर, इन्जॉय करो, फन करो, टास्क करो, गेम करो, पूरी एफर्ट से डालो। और जो रही बात बिग बॉस की, वो 5 महीने बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ ही, घर के अंदर आप किसी के साथ हो 5 महीने से तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है और वो अट्रैक्शन भी हो सकती है, प्यार भी हो सकता है और दोस्ती भी हो सकती है। तो हमें उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम शहनाज की रिस्पेक्ट करते हैं और वो सबसे अच्छी लड़की है क्योंकि वो पंजाब से है और जो भी है वो सारू की सपोर्ट करती है और मुंह पे बोलती है। जब हम घर में गए थे, हमने जब दो तीन दिन उससे बातें की, फिर जैसे एक हफ्ता गुजर गया, उसने बताया कि ऐसा है वैसा है जो भी सिद्धार्थ के बारे में, कि मैं उसको लाइक करती हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो जब उसने बताया, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप जैसे हो वैसे ही रहो, आपको चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोग आपके साथ हैं, हम पूरा आपके साथ सहयोग देंगे, हम पूरी गेम करेंगे। और शहनाज ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है और हमें काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बलराज के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। अगर आप पूरा शो देखा आपने तो हर जय के सामने भी, गौतम के सामने भी, हर जगह उसने यही बोला कि मयूर मेरी पूरी केयर टेक करता है, उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसके साथ 24/7 खड़ा रहता था, मेडिसिन से लेके खाना से लेके सब कुछ। और रही बात बलराज की, बलराज जैसे कि शहनाज उदास होती थी, बलराज कॉमेडियन है तो वो उसको हंसाता था, तो बलराज और मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी शहनाज से।